सॉरी सर, मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता और ये क्लेम पास भी नहीं हो सकता क्योंकि आपके भाई साहब का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उन पर प्राकृतिक आपदा आई हुई है। मेरा मतलब है कि दैवी प्रकोप। सुनिए, एक बात का आपको समझ में नहीं आता, उनका एक्सीडेंट हुआ है एक्सीडेंट, उन्हें कोई माता नहीं निकली जो आप दैवी प्रकोप किए जा रहे हो। हाँ बहन जी, आप मेरा मतलब नहीं समझ। दैवी प्रकोप से मेरा मतलब है कि अगर ये गलती किसी इंसान से हुई होती तो सारा खर्चा हम उठाते, लेकिन ये कुदरत का कहर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें आदि भैया की क्या गलती है? लेकिन भगवान की तो गलती है ना, हम सिर्फ इंसानों की गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं। ये भाई साहब देखिए, पेज नंबर 1 पे ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगर कोई क्षति प्राकृतिक आपदा के कारण होती है या फिर एक्ट ऑफ गॉड के कारण होती है, उस क्षति की भरपाई की जिम्मेदारी हमारी कंपनी नहीं लेगी। साफ साफ लिखा, पढ़ लीजिए। देखिए, बेकार बहस से कोई फायदा नहीं, तो नियम तो नहीं बदल सकते, वरना लोग कल आकर के कहेंगे कि एक्ट ऑफ गॉड का क्लेम दिया था, अब एक्ट ऑफ काले बंदर का क्लेम दो। बीस 30,000 से कुछ नहीं होगा, आप प्लीज कोशिश कीजिए, मैं आपको फिर फोन करूंगा। पता नहीं पैसे का बंदोबस्त कैसे होगा। उत्कर्ष, ये गहने लो, इसे बेचो और अस्पताल में पैसे जमा करा दो। मासा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम आपके गहने नहीं बेच सकते। मैं अभी आता हूं। मासा, वो सुबह जिस इंश्योरेंस ऑफिसर से मिलने गए थे, उसे काले बंदर ने लूट लिया। मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होगा। ये हो रहा है, हमारी तो समझ के बाहर होता जा रहा है। एक काम कर, तू ना कार्तिक को फोन करके बोल दे, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। वो क्या है ना, मेरे नाम पर ना एक और FD है, तो जैसे ही कल बैंक खुलेगा ना, मैं वो भी तुड़वा दूंगी। बस तो कार्तिक को कह देना कि डॉक्टर से कहे कि ट्रीटमेंट चालू रखे। हाँ ठीक है बाबू, ठीक है। मैं भी देखती हूँ भाभी, आप ये पैसे का इंतजाम कहाँ से करती हैं। भाभी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए भाभी कि आप यहाँ क्या कर रही हो। वो मैं जरा दिखाइए, इसमें क्या है? ये सब क्या है भाभी? इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? वो मैं तन्नु नहीं बता सकती। भाभी आपको बताना पड़ेगा, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, आप बिल्कुल बदल गई हैं, यहाँ तक कि झूठ भी बोलने लगी। ओए, ये क्या बात हुई? देख लवली, तू ना मुझसे बेकार की बातें ना कर। हाँ भाभी, ये बेकार की बात नहीं है। आपको क्या लगा कि आप मुझसे ये कहेंगी कि आपकी वो अंगूठी नकली है तो मैं विश्वास कर लूंगी? मैं शॉप वाले के पास गई थी और उसे अंगूठी दिखाई, उससे ये बताया कि ये अंगूठी 100% हीरे की है और पूरे जयपुर में ऐसी कोई भी बम्पर सेल नहीं चल रही जहाँ पर 4,000 की चीज 299 में आ जाए। और भाभी, आदि भैया के ऑपरेशन के लिए आपने पैसे कहाँ से जुटाए? वो तो मैंने अपनी FD तुड़वा के। झूठ बोल रही हैं आप। आज बैंक बंद था तो फिर FD कैसे तोड़ी आप? ओए, अगर मैं दिखाती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंगाल हूँ। मेरे पास भी जेवर है, मेरे पास भी पैसे है जिसे मैं काले बंदर से बचाना चाहती हूँ, और ऐसा करना ना कोई पाप नहीं है। हाँ लवली, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो मैंने ना तुझे बाद में समझा लेना। हाँ अभी अभी तो सबसे जरूरी बात आदि भैया का ठीक होना है। पता नहीं हॉस्पिटल में क्या हो रहा होगा।